बहुत बड़ी विडम्बना है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है। यहाँ स्टूडेंट भी अपनी मांगों को लेके आए हैं। अभी इकोनॉमिक्स का और टेंथ का और मैथ का पेपर लीक हुआ है और ये अभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि पेपर सारे लीक हुए हैं, लेकिन ये दो पेपर हाईलाइट हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? सर देखिए, जब से काफ़ी टाइम हो गया, जब से गवर्नमेंट आई है, शिक्षा के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और हाल ही की जो घटनाएं, कभी SSC के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th और 12th CBSE के पेपर लीक हो रहे हैं, ICSE के पेपर लीक हो रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो पेपर लीक करते नहीं हैं। पेपर लीक करते कौन है? पेपर लीक वो लोग करते हैं जो अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों के लिए, वो अगर किसी को पैसे में पेपर देते हैं वो क्यों देते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम पढ़ते हैं, हमारा कसूर क्या? हम ये जानना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं कि कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। अभी सरकार का अब तक कोई बयान नहीं आया है। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें, हम तो पढ़ाई करते हैं, हमारा कसूर कहाँ है? अब क्या मांग है अमन जी आपकी? हमारी मांग ये है कि जवाबदेही तय हो, जिसने ये किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर अगर 124A लगे तो वो भी लगाई जानी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं, अगर 124A लगे वो भी लगाई जानी चाहिए और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये सरकार हमें आश्वस्त करे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे स्टूडेंटों के अंदर, छात्रों के अंदर रोष है कि जो पेपर लीक हुआ है और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ वो बड़े एक आशा होती है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और एट ए टाइम ये हो जाए कि पेपर लीक हो गया। ये हकीकत, अमन कुमार ने सही बात बताया कि पेपर लीक करने वाला कौन है? ये बच्चे पेपर तैयारियाँ करते हैं, तैयारी करने के बाद में अच्छी मेहनत करते हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। लीक करने वाले कौन है? कहाँ छपते हैं पेपर? ये सब सरकार को मालूम है। सर,